नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज। आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर पीलीभीत के पूरनपुर से है, जहां पर पुलिस की दबंगई का मामला फिर से एक बार सामने आया है। मामला पूरनपुर क्षेत्र के राजागंज का है। अली मोहम्मद नाम के एक युवक ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी कि 17,500 अकराम अंसारी पुत्र नजीर अहमद पर, जिसका मामला युवक ने कोतवाली पूरनपुर में दर्ज कराया है, जिसे युवक की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। युवक का कहना है कि पूरनपुर कोतवाली चौकी इंचार्ज ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे युवक का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिससे युवक पर उल्टी कार्रवाई होगी और जमानत के लिए उसकी बीवी ने अली मोहम्मद को छुड़वाकर जेवर गिरवी रखकर पुलिस की कार्रवाई से युवक को तारीखों का सामना करना पड़ रहा है। यह है पूरनपुर पुलिस की दबंगई। अच्छा, कैसी क्या घटना घटी थी? घटना ये, हमारे 17,500 रुपए है इसके ऊपर, अकरम अंसारी के ऊपर, जो हमारे पास लिखित भी है और लिखित थाने में भी है हमारी। तो हमने 100 नंबर पुलिस बुलाकर उसको थाने में बुलवाया। बुलवाने के बाद उसको 100 नंबर ने हमको बैठा दिया, वाहन कर ले जाएगी। तो बैठाने के बाद काफ़ी देर हो गई, 7 बजे के बैठे बैठे 11 बज गया। तो मैं वहाँ से सिपाहियों से इंस्पेक्टर साहब से बोला था कि मुझे 2 मिनट के लिए जो है इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, इंचार्ज साहब से। तो इंचार्ज साहब ने जो है मुझसे, मैं पहुँचा भी तो इंचार्ज साहब ने कहा कैसे आओ साले, जाओ चालान कटवाओ जाके। तो मैं बोला सर चालान, तो उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं फिर आया मैडम के पास, वहाँ काउंटर थाना कौन सा था? थाना पूरनपुर। तो वहाँ हमने पूछा उनसे, मैडम से, कि हमारा चालान का है कि ये तो हमारे पास देखिए लिखित भी है, हमको सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करनी है, 17,500 रुपये मुलजिम क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसमें। तो उसमें उन्होंने हमें बैठा दिया कि हम देख लेंगे, हम साहब से बात करेंगे क्या मैटर है तुम्हारा। तो बैठे बैठे डेढ़ बज गया। तो डेढ़ बजे एक इंस्पेक्टर साहब आए, तो उनसे और सिपाहियों से इजाज़त ली मैंने। तो मैंने उनसे कहा मुझे इंचार्ज साहब से 1 मिनट के लिए बात करनी है, और ये मेरे पास तहरीर है और मेरे पैसे के लेन देन के मैटर में ये मुलजिम भी है और मैं भी हूँ, यहाँ पर दोनों लोग हैं। तो 1 मिनट के लिए बात करके और चले जाएंगे हम घर। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमने इजाज़त लेके जब हम गेट के पास इंचार्ज साहब के गए, तो इंचार्ज साहब ने हमें देखा, देखने के बाद अलार्म बजाया और गार्ड को बुलवाया, बोले इस साले के 2 झापड़ मार साला जी, आया कैसे दोबारा, जो 2 बार आ चुका साले को मार। तो मैंने अपना गाल तो मुँह से इसे बचा लिया, तो उसने मेरे यहाँ सिर पर मारना चालू कर दिया, हाथ से भूसों से बार किया मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मेरा एक हाथ जो है फ्रैक्चर हुआ है पूरा। ये एक हाथ मेरा पूरा ख़राब है, ये पतला है मेरा एक हाथ पूरा, जिसकी वजह से मैं दिमागी रूप से भी थोड़ा कमज़ोर हूँ। मेरा मेडिकल और कई जांचें हो चुकी हैं। ठीक, आपको न्याय मिलेगा। जिसकी वजह से जब मुझे वहाँ से मारते पीटते लेके गए, तो मैंने सिपाही से कहा मुझे पेशाब लगी है जोर से, जिसकी वजह से जब मैं बाथरूम के पास गया तो मुझे खून की पलटी हुई वहाँ पर, तो मेरी हालत बिगड़ती चली गई। फिर 4 बजे के टाइम पर मुझे यहाँ से हथकड़ी डाल के थाने से मुझे SDM कोर्ट पहुँचाया गया, जहाँ पर फिर बाद में मेरी घरवाली ने बड़ा मुसीबतों से सामना करके खुशामद करके अपनी जेवरी बेच के जो मेरी जो है बाद में जमानत करवाई। जमानत करवाने के बाद जो सिपाही मुझे पकड़ के ले गए थे, दोनों लोगों ने मुझसे 100-100 रुपये लिए वहाँ पर। तब जाके मैं छूटा, जिसकी वजह से मुझे ये तारीखें पड़ रही, मेरे ऊपर बेगुनाही में मेरे ऊपर ये तारीखें ये डाल दी गई हैं। 30 तारीख जो है गई और 2 तारीख। पीलीभीत से मोहम्मद एजाज की एक रिपोर्ट।